नमस्कार दोस्तों, रणनीति में मैंने पहले वीडियो में आपसे ये जिक्र किया था कि कौन सी 7 बातें हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा 2018 के एग्जाम के संदर्भ में जिन पर आपको ध्यान देना है, और उसमें मैंने पहले 3 बातों को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि सामान्य अध्ययन का वारांश 400 से 800 हो गया है, वैकल्पिक विषय 2 की जगह पर 1 हो गए हैं, और पैटर्न वस्तुनिष्ठ के जगह मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन का पैटर्न वस्तुनिष्ठ की जगह वर्णनात्मक पैटर्न हो गया है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक विज्ञप्ति के अनुसार यह जो पैटर्न होगा वह IAS ऐसा ही होगा। यह बात ध्यान में रखने की है कि वैकल्पिक विषय महत्वपूर्ण हैं, निर्णायक हैं, उच्च पद हासिल करने के लिए उनमें उच्च अंक लाना, वैकल्पिक विषयों में उच्च अंक लाना अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब वो इतिहास और दर्शन शास्त्र का युग्मों का जो एक शंकर जयकिशन का दौर था, या फिर समाज कार्य और रक्षा अध्ययन जैसे जोड़ों का जो दौर था, या फिर इसी तरह से भूगोल और राजनीति विज्ञान जैसे जोड़ों का जो दौर था, वो दौर अब बन नहीं सकता। और उसका रीज़न ये है कि 2 वैकल्पिक विषय लेने ही नहीं होते हैं। दरअसल यहाँ पर आप ये भी पाएंगे कि समय भी बदलता रहता है, और वैकल्पिक विषयों की जो सापेक्षिक भूमिका है उसमें विद्यार्थियों के मोस्ट प्रिफर्ड च्वाइस के संदर्भ में भी बदलाव होते रहते हैं। 2017 की संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट को जब आप पलटेंगे तो आप पाएंगे कि इतिहास एक वैकल्पिक विषय के रूप में सर्वाधिक पसंदीदा विषय के रूप में अपना जो ताज है, अपनी जो पदवी है, वो खो चुका है। और दूसरे नंबर का जो या पहले नंबर का जो वैकल्पिक विषय है वो 2017 के संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भूगोल है, और दूसरे नंबर का जो वैकल्पिक विषय है वो राजनीति विज्ञान है। UPPCS के लिहाज से इन बातों का फर्क अभी तो नहीं पड़ता है, लेकिन वो आगे जाकर पड़ेगा। दरअसल ये फर्क ऐसे पड़ेगा कि आपकी रणनीति में इस बात ये भी फैक्टर्स महत्वपूर्ण होते हैं कि कौन से ऐसे विषय हैं जो PCS और IAS दोनों में आप रख सकते हैं, कौन से ऐसे विषय हैं जिनसे आप सामान्य अध्ययन में आपको मदद मिलती है, कौन से ऐसे विषय हैं जिन विषयों के द्वारा आप उच्च अंक लाने की संभावना रखते हैं, कौन से ऐसे विषय हैं जिनका मॉडलिंग में या जिनका स्केलिंग में अंक घटता नहीं है। ये सब चीज़ें, ये सब कारक प्रभावित करते हैं। लेकिन एक और पहलू है जिसको विद्यार्थी को ध्यान में रखना चाहिए। दरअसल जो पैटर्न का बदलाव है, ऑब्जेक्टिव से डिस्क्रिप्टिव का जो बदलाव है, उसमें सभी प्रतिभागियों की, सभी उम्मीदवारों की जो चुनौतियां हैं वो एक जैसी नहीं है। दरअसल कुछ ऐसे प्रतिभागी हैं जो किसी परीक्षा में सेलेक्ट हो चुके हैं, या पहले UPPCS में ही किसी पद पर सेलेक्ट हो चुके हैं, और वे डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं। तो उनकी चुनौती एक्सेल करने की है, उनकी चुनौती उत्कृष्ट प्रदर्शन की है। लेकिन कुछ ऐसे प्रतिभागी हैं जो यहाँ पर हमें कह सकते हैं कि जो मुख्य परीक्षा लिख तो रहे हैं लेकिन उन्हें अभी कहीं पर सफलता हासिल नहीं हुई है। वो डिस्क्रिप्टिव GS की तैयारी कर चुके हैं लेकिन उन्हें एक अदद नौकरी की या एक अच्छी नौकरी की तलाश है। इन प्रतिभागियों की जो चुनौती है वो पहले वर्ग के प्रतिभागी जो कहीं पर चयनित हो चुके हैं और डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं या उच्च पद कोई प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे थोड़ी भिन्न है। पहले वर्ग के प्रतिभागी की चुनौती है कि वे एक्सेल करें, वे एक्सेलेंट प्रदर्शन करें। दूसरे वर्ग के प्रतिभागी की जो चुनौती है, जो मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, जिन्हें तलाश है एक अदद नौकरी की, जिन्हें तलाश है कि वे बेरोजगारी के दुख से मुक्त हो सकें, जिन्हें तलाश है कि एक अदद नौकरी ही ना मिले बल्कि एक अच्छी नौकरी भी मिल जाए जिसमें प्रशासनिक शक्तियां भी हों, जो एग्जीक्यूटिव की नौकरी हो, वहां पर चुनौती ये है कि क्या वो सिलेक्शन दिलाने वाले खंडों को पकड़ पा रहे हैं, क्या वे संतुलन साधते हुए
अच्छा नियंत्रण और संतुलन सिलेबस पर करते हुए अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि जो सफल हो चुके हैं वो कहीं ना कहीं पुराने पैटर्न पर एक अपनी जो अपनी क्षमताएं हैं वे क्षमताएं साबित कर चुके हैं। तो एक प्रकार के लोगों की चुनौती एक्सेल करने की है, दूसरे प्रकार की लोगों की चुनौती सिलेक्शन लेने की है और सिलेबस पर संतुलन और नियंत्रण बनाते हुए अच्छा परफॉर्म करने की है। तीसरे प्रकार की जो चुनौती है वो उन बच्चों की है जिन्होंने ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव जीएस पर तैयारी किया है लेकिन अभी तक मेंस नहीं दिया है। एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसने मेंस, एक प्रतिभागी ऐसा हो सकता है जिसने मेंस दिया है लेकिन उसे अंतिम चयन नहीं मिला है। एक ऐसा हो सकता है जिसने मेंस अब तक दिया ही नहीं, वो पहली बार मेंस लिखने जा रहा है। तो पहली बार मेंस लिखने जा रहे प्रतिभागी की जो चुनौती है वो अपने आप को साबित करने की चुनौती है। और इसके साथ ही कुछ ऐसे भी प्रतिभागी होंगे जिन्होंने कभी भी डिस्क्रिप्टिव जीएस की तैयारी नहीं की है लेकिन इस बार उनका जो उनका स्कोर है वो अच्छा है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो मुख्य परीक्षा लिखेंगे। यहां पर अब उन्हें अपने आप को आजमाने की चुनौती है। ये चार तरह के प्रतिभागी हैं जिनके अपने अलग अलग चैलेंज हैं। हालांकि कुछ मात्रा में उनके सामने जो चैलेंजेज हैं वो एक समान हैं नए बदलाव की वजह से, क्योंकि कुछ ऐसे खंड हैं जो सबको पढ़ना है मुख्य परीक्षा के लिए। लेकिन यहां पर अगर हम परीक्षार्थी की दृष्टि से परीक्षा की रणनीति को देखें तो परीक्षार्थी की दृष्टि से भी कुछ अंतर है कि किसी को एक्सेल करने का चैलेंज है, कोई ऐसा है जिसको अपने आप को अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को करके दिखाना है ताकि वो और उच्च पद पर पहुंच सके, कोई ऐसा है जिसे एक मेंस तो लिख रहा है लेकिन उसे फाइनल सिलेक्शन नहीं मिला है, उसे एक नौकरी चाहिए, कोई ऐसा है जिसने मेंस कभी नहीं दिया है लेकिन अब पहली बार मेंस देने जा रहा है और यहाँ पर उसको अपने आप को साबित करना है, और कोई ऐसा है जो अपने आप को आजमाने की चुनौती से जूझ रहा है। तो एक्सेल करने की चुनौती, संतुलन साधने की चुनौती, साबित करने की चुनौती और आजमाने की चुनौती। इसमें जो साबित करने वाले बच्चे हैं या ऐसे वर्ग के बच्चे हैं जो मेंस पहली बार देने जा रहे हैं और जो वास्तव में ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार मेंस देने जा रहे हैं लेकिन जिन्होंने कभी मेंस की तैयारी नहीं की है, ये सबसे ज्यादा उलटफेर करने वाला वर्ग हो सकता है अगर ये बच्चे सही रणनीति को अपनाएं। क्योंकि हम लोगों का अपना मानना है कि ब्लैंक स्लेट पर लिखना आसान होता है और पहले से लिखी हुई स्लेट पर कुछ मिटाकर लिखना इतना आसान नहीं होता है। किसी भी परीक्षा की जो सही रणनीति होती है वो सही रणनीति जो है अपनाकर हम उस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त ये है कि हमें परीक्षा के हर पहलू के बारे में, उसके प्लान, उसके स्कीम के बारे में, उसके प्लान और स्कीम के अलावा उसके पैटर्न के बारे में सिलेबस के बारे में पता हो। सिलेबस की जहां तक बात है तो सिलेबस भी यूपीपीसीएस का एक चेंज है जो उसके प्लान और स्कीम के चेंज के अलावा है, प्लान, स्कीम और पैटर्न के चेंज के अलावा है, इसलिए भी ये बदलाव बहुत बड़ा है। तैयारी की रणनीति के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि किसी प्रतिभागी का प्लान ए क्या है। जैसे दिल्ली में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए प्लान ए आईएएस है और प्लान बी बीपीएससी हो सकता है, यूपीपीसीएस हो सकता है, एमपीपीएससी हो सकता है, आरएएस हो सकता है, उत्तराखंड हो सकता है या झारखंड हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ विद्यार्थियों का प्लान ए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं और वो अपने मन में ये बात रखते हैं कि जब इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे तो यूपीएससी के लिए भी प्रयास करेंगे। अगर दोनों स्थितियों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या तो किसी का फर्स्ट च्वाइस है या किसी का सेकेंड च्वाइस है। इन दोनों तरह के विद्यार्थियों के संदर्भ में अगर हम देखें तो उन्हें यह जानना जरूरी है कि आईएएस और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, पर्टिकुलरली यूपीपीसीएस में कहां पर सिलेबस
ऐसा है जहां दोनों बिल्कुल अलग नहीं है, कहां पर सिलेबस ऐसा है जहां पर दोनों थोड़ा सा भिन्न है, और कहां पर सिलेबस ऐसा है जहां दोनों बिल्कुल अलग हैं, या एक बिल्कुल ज्यादा है और एक में वो बात मेंशन ही नहीं है। अगर हम इसको समझते हैं तो हम रणनीति बना सकते हैं। और समझने के दृष्टि से सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य परीक्षा में, यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में और आईएएस मुख्य परीक्षा में सिलेबस की समानता है। केवल उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ वाले जो टॉपिक्स हैं उनको छोड़ दिया गया है, तो सिलेबस की समानता है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन भी दोनों का समान है, प्री मेंस इंटरव्यू। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी दोनों का समान है, क्योंकि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में दोनों ओनली ऑप्शनल, ओनली कंपल्सरी पेपर वाली स्कीम को नहीं अपनाते हैं, बल्कि वे कंपल्सरी पेपर प्लस ऑप्शनल वाली स्कीम को अपनाते हैं। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी समान है, और दोनों में निबंधात्मक शैली का पैटर्न अपनाया जाएगा, दोनों में यह भी समानता है। दरअसल यूपीपीसीएस राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरह न तो यह कहता है, न तो वह यह कहता है कि हम तुमसे 15 शब्द के 2 अंक के संक्षिप्त, 50 शब्द के 4 अंक के मध्यम, या 200 शब्द के 6 अंक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। नहीं, वह यह कहता है कि वह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह 2 वाक्यों वाले 3 अंक के 15 लघु उत्तरीय प्रश्न इंटरनल चॉइस के बगैर पूछेगा। नहीं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यह कह रहा है कि वह संक्षिप्त 150 शब्द के 6 अंक वाले इंटरनल चॉइस के साथ क्वेश्चन पूछेंगे, और नहीं वह यह कह रहा है कि वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इसके साथ पूछेंगे। अर्थात फॉर्मेट की दृष्टि से देखा जाए तो यूपीपीसीएस ये कह नहीं रहा है कि हम तुमसे T20 वाले फॉर्मेट में भी खिलाएंगे, वनडे वाले फॉर्मेट में भी खिलाएंगे, और तुमको टेस्ट मैच वाले निबंधात्मक शैली में भी खेल खेलना पड़ेगा। उसने कहा कि हम आपको जो उत्तर, जो संघ लोक सेवा आयोग का पैटर्न है, उस पैटर्न की तरफ क्या है ले जाएंगे। और अगर हम ये कहें कि संघ लोक सेवा आयोग बड़ा भाई है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग छोटे भाई हैं, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मझला भाई है, तो मझला भाई ये कह रहा है कि वो संघ लोक सेवा आयोग के बड़े भाई के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश करेगा। और वो ये भी यहाँ बात निकल रही कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरह कोई ऐसा पदचिन्ह नहीं अपना लेगा जिसके रास्ते जो है बिल्कुल अलग हो जाए, यहाँ पर केवल ऑब्जेक्टिविटी की ही तलाश हो, विद्यार्थी की जो क्षमता है या उसकी जो इंटेलेक्चुअल जो कॉम्पिटेंस है, उस इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस को मापने का कोई स्कोप न रह जाए। लेकिन यहाँ पर ये ऊपरी समानता है पैटर्न के स्तर पर। और यूपीएससी को भी अगर हम देखें तो कई प्रश्न ऐसे देती है जिसमें ऊपर लिखा होता है 150 शब्द, लेकिन नीचे 5 शब्द होते हैं ए बी सी डी ई, इस तरह से तो लिखना आपको वहां पर 30-30 शब्द है। तो यूपीएससी भी निबंधात्मक शैली के पैटर्न में अगर संक्षिप्त और लघु प्रकार के प्रश्न पूछ सकती है तो यूपीपीसीएस भी ऐसा कर सकता है, लेकिन यह सामान्य प्रवृत्ति नहीं होगी, या फिर यह इसमें कोई अनिवार्यता नहीं होगी। जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 15 लघु उत्तरीय प्रश्न 2 लाइनर्स आपको लिखने ही होंगे और वहां पर कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस पैटर्न पर नहीं जा रहा है। अब यहां पर इसके बावजूद हमें यह समझना पड़ेगा कि अंतर क्या है। देखिए, सबसे बड़ा अंतर प्रश्नों के स्तर पर होगा। आईएएस में समसामयिक, अद्यतन, विश्लेषणात्मक, गहरी समझदारी वाले सवाल, या नई जानकारी वाले, चौंकाने वाली नई जानकारी वाले सवाल हमें चौंकाते नहीं हैं। पीसीएस में जब ये पूछा जाएगा तो हम थोड़ा चौंकेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर मझले भाई से, छोटे भाई से ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ऐसे सवाल एकाध दो हो सकते हैं, फिर भी ये कहना पड़ेगा कि यूपीपीसीएस का पैटर्न आईएएस, यूपीपीसीएस के प्रश्नों का स्तर आईएएस के बराबर न तो होगा और न ही किसी राज्य लोक सेवा आयोग का ऐसा पैटर्न होना भी चाहिए। दरअसल यूपीपीसीएस स्तरीयता के मामले में एक मिश्रण होगा। उसके कुछ सवाल हो सकते हैं कि आईएएस के विश्लेषणात्मक स्तर के सवाल हों,
कुछ सवाल आपकी जानकारी को चेक करें समझदारी के को चेक करने के बजाय, और इस तरह से वो महात्मा बुद्ध के मध्यम मार्ग को अपनाएगा। यहाँ पर अस्थिरता के मामले में यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी बात यह है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आईएएस के पैटर्न में विश्लेषणात्मक सवाल भी आते हैं, प्रश्नों का जो स्तर होता है वो प्रश्नों का स्तर यूपीपीसीएस में एक आध दो चार होगा। दूसरा मैंने कहा एक मिश्रित स्तर होगा। तीसरी बात यहां पर ये कि आईएएस मेंस में क्वालिफाइंग पेपर भी होते हैं और मेरिट डिसाइडिंग पेपर भी होते हैं। पीसीएस में कोई क्वालिफाइंग पेपर मेंस में नहीं होता है, सभी मेरिट डिसाइडिंग पेपर होते हैं। आईएएस में हिंदी सहित जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनके अंक नहीं जुड़ते हैं, इसलिए वे क्वालिफाइंग पेपर हैं, जबकि पीसीएस में सामान्य हिंदी के अंक जुड़ते हैं और डिप्टी कलेक्टर बनने में सामान्य हिंदी और निबंध की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आईएएस में निबंध का जो भारांश है वो सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषयों के भारांश के एक प्रश्न पत्र के भारांश के बराबर है, अर्थात निबंध वहां भी 250 मार्क्स का है। लेकिन पीसीएस में जो भारांश है वह भारांश 150 अंक का है। तो पैटर्न के बदलाव को भी आप समझें, और उस पैटर्न के बदलाव के साथ साथ आईएएस एमपीपीएससी आरएएस किस जो प्रश्नों का स्तर है और जिस तरह के प्रश्नों की प्रकृति और प्रवृत्ति है, उस प्रकृति और प्रवृत्ति को भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ प्रश्न आपकी समझदारी को चेक करेंगे, कुछ आप प्रश्न आपकी जानकारी को चेक करेंगे, कुछ प्रश्न आपकी विश्लेषणात्मकता को भी चेक कर सकते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो कुछ पेपर्स में आपके एप्टीट्यूड को भी चेक करेंगे। पीसीएस के संदर्भ में साक्षात्कार के अंक घट जाने का एक निर्णायक प्रभाव यह होगा कि मुख्य लिखित परीक्षा वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसलिए जिन लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठना है उनके हाथ में जो सबसे महत्वपूर्ण चाबी है वो चाबी सामान्य अध्ययन के चारों प्रश्न पत्र और सामान्य हिंदी निबंध ये सब है। दरअसल अब 100 अंक का इंटरव्यू होने के कारण किसी विद्यार्थी के लिए यह आसान नहीं होगा कि वह इंटरव्यू के अंकों की वजह से उच्च पद की तरफ कोई छलांग ले पाए। यूपीपीसीएस के मुख्य परीक्षा 2018 में एक सबसे बड़ा बदलाव है वह यह है कि मुख्य परीक्षा के स्तर पर एप्टीट्यूड को जोड़ा गया। दरअसल एप्टीट्यूड एथिक्स के प्रश्न पत्र में जोड़ा गया है, और एप्टीट्यूड पर प्रश्न पूछने का तरीका केस स्टडी जैसी मनोवैज्ञानिक विधि के रूप में रखा गया है। केस स्टडी मुख्य परीक्षा में एप्टीट्यूड है, जबकि कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, मैथ्स या जनरल मेंटल एबिलिटी ये प्रारंभिक परीक्षा में सीसेट के रूप में एप्टीट्यूड है। तो एप्टीट्यूड दोनों स्तर पर है, लेकिन एक जगह वह क्वालिफाइंग है और दूसरी जगह वह मेरिट डिसाइडिंग है और बहुत ही निर्णायक है। सिविल सेवा परीक्षा के जितने भी बदलाव हुए हैं प्लान के लेवल पर, पैटर्न के लेवल पर और इसके साथ ही सिलेबस के लेवल पे, उसमें एक बहुत ही अंतर्वर्ती और बहुत ही दूरगामी बदलाव एप्टीट्यूड टेस्ट से संबंधित है। ये कहना गलत नहीं होगा कि सिविल सेवा की परीक्षा योजना में एप्टीट्यूड को जोड़ा जाना अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है। और संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन दीपक गुप्ता साहब ने अपनी किताब में द स्टील फ्रेम हिस्ट्री ऑफ आईएएस में ये लिखा है कि ये जो बदलाव है, ये बदलाव अंग्रेजों के जमाने से जो परीक्षा प्रणाली चली आ रही थी, जो परीक्षा प्रणाली के पीछे जो सोच चली आ रही थी, उस सोच को बदलने की तरफ संकेतित करता है। अचीवमेंट प्रोफिशिएंसी से हम एप्टीट्यूड अचीवमेंट के पैराडाइम पर आ गए। अंग्रेजों ने जो सिविल सेवा परीक्षा की प्रणाली भारत में विकसित की, उस प्रणाली में यह था कि यूनिवर्सिटी का जो सामान्य ग्रेजुएट व्यक्ति है, जब वो अच्छे से पढ़ लिख कर सिविल सेवा में आएगा,
तो एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति, मेरिटोरियस व्यक्ति अपने आप को कार्य क्षेत्र में साबित कर देगा, वह वहां की अभिक्षमताओं को भी अर्जित कर लेगा। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि नहीं, अभिक्षमता पहले से ही आप में होगी कि नहीं होगी, हम इस बात को जांचेंगे। और इस तरह से प्रारंभिक परीक्षा में हमने सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, और मुख्य परीक्षा में हमने एप्टीट्यूड टेस्ट को एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के पेपर के साथ जोड़ दिया। और ये जो बदलाव है, इस बदलाव में, ये बदलाव दीपक गुप्ता साहब ये भी कहते हैं कि इस बदलाव में थोड़ी जल्दबाजी की गई, और इसीलिए इस बदलाव का या इस बदलाव का विरोध इस आधार पर भी हुआ कि सबको ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं देता है। ये प्रोफेशनल डिग्री रखने वाले बच्चों के पक्ष में झुका हुआ है। ये सब बदलाव के संदर्भ में भी मुद्दे आए। लेकिन अब यहां पर रणनीति के दृष्टि से जो प्री एप्टीट्यूड एरा की जो जरूरतें थी, तैयारी की जो आवश्यकताएं थी, जो अपेक्षाएं थी, वो एप्टीट्यूड एरा के संदर्भ में लागू नहीं होंगी। अब मुख्य परीक्षाएं केवल आपकी जानकारी को, केवल आपकी समझदारी को, केवल आपके विश्लेषण करने की योग्यता को ही नहीं जांचती हैं, बल्कि आप सिविल सेवक के रूप में विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता रखते हैं या नहीं रखते हैं, इस बात को भी जांचती हैं। और विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को बहुत सामान्य भाषा में एप्टीट्यूड कहा जाता है। तो एप्टीट्यूड का टेस्ट जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, और आपके स्कोरिंग और फाइनल सिलेक्शन में ये दरअसल उतनी ही भूमिका अदा करेगा जो सामान्य हिंदी और निबंध के अलग अलग प्रश्न पत्र ये भूमिका अदा करते हैं। और इसको हम लोग कुछ उदाहरणों के संदर्भ में देखेंगे। 2018 आईएएस के एथिक्स के पेपर को आप देखेंगे तो वहां पर एप्टीट्यूड के आपको 6 केस स्टडीज मिलेंगी। उसमें एक जो केस स्टडी है वो रिफ्लेक्ट करती है तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता रिसोर्सेज की कंपनी है स्टरलाइट, कापर बना से संबंधित कंपनी है। तो उस कापर संयंत्र को पर्यावरणीय प्रभाव और स्वास्थ्य संबंधी आशंकाओं और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव की वजह से उस कापर संयंत्र को तमिलनाडु राज्य सरकार को आदेश बंद करने का आदेश देना पड़ा। और आपने पिछले वर्ष अखबारों में पढ़ा होगा कि वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध हुआ, और हिंसक विरोध होने के बाद कंपनी को बंद करना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईएएस मेंस के जीएस पेपर 4 के प्रश्न 10 को अगर आप देखेंगे तो वहां पर केवल एक माइनर चेंज कर दिया गया है, और सारी जो केस स्टडी है वो केस स्टडी तूतीकोरिन के उस पूरे कापर संयंत्र पर, स्टरलाइट का जो कापर संयंत्र है उसके पूरे केस पर आधारित है। बस उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है कि इंडस्ट्रियल जो केमिकल वहां पर शब्द प्रयोग किया गया है, तो कापर बनाने वाली कंपनी के लिए इंडस्ट्रियल केमिकल शब्द प्रयोग कर देने से पूरी चीज अलग नहीं हो जाती है। और वहां पर यह सवाल पूछा गया कि इस मुद्दे को संभालने के उत्तरदायित्व सौंपे गए एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते आप इस उत्तरदायित्व का निर्वहन किस प्रकार करेंगे। इस बात को समझो, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कितना ज्यादा जानते हैं, कितना कम जानते हैं, कितना गहरा जानते हैं, कितना उथला समझते हैं, ये एक सवाल है। आप किसी स्थिति में क्या करेंगे, ये दूसरा सवाल है। आप दूसरे प्रश्न पत्रों में जानकारी और समझदारी के आधार पर उत्तर लिखते हैं। यहां पर सिर्फ जानकारी और समझदारी के आधार पर ही उत्तर नहीं लिखेंगे, आप क्या कदम उठाएंगे इसके आधार पर आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। और ये कहकर भी हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि साहब ये तो आईएएस में केस स्टडी पूछी गई है, यूपी पीसीएस कहां इस स्तर पर जाएगा। दरअसल बड़े भाई आईएएस को मझला भाई यूपी पीसीएस कॉपी करेगा, छोटा भाई एमपी पीसीएस ऑलरेडी कॉपी कर रहा है। ये अलग बात है कि आरपीएससी थोड़ा बीच में बड़े भाई को कॉपी नहीं कर पाया, उसने अपना अलग रास्ता बनाने की कोशिश की, और जो रास्ता हम लोगों के अनुसार एप्टीट्यूड टेस्ट के पूरे दृष्टिकोण को नकारता है। द
दरअसल प्रश्नों के मामले में आप ये देखेंगे कि एप्टीट्यूड टेस्ट का जोड़ा जाना एक ऐसा पहलू है जिस पर यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले किसी भी विद्यार्थी को बहुत ध्यान से उस पहलू को समझना चाहिए। और इसमें वो दूसरे राज्य लोक सेवा आयोगों की मदद ले सकते हैं। जैसे एमपीपीएससी ने एक सवाल पूछा, एमपीपीएससी ने जो सवाल पूछा तो आईएएस की तरह बिना भारी भरकम शब्दों का लबादा इस्तेमाल किए बिना उसने एप्टीट्यूड का सवाल पूछा। और ऐसे सवाल का उत्तर देने के लिए आपको एक सही व संतुलित सोच होनी चाहिए। एक सड़क के किनारे फूल बेचने वाली बेसहारा गरीब व बूढ़ी महिला के क्षेत्र में डीएम ने नो टॉलरेंस जोन घोषित कर दिया है और आप एसडीएम के पद पर नियुक्त हैं। डीएम का आदेश आता है कि तुरंत कार्रवाई किया जाए, और तुरंत कार्रवाई का मतलब ये है कि जो बूढ़ी बेसहारा गरीब महिला फूल बेचने का काम आपके क्षेत्र में कर रही है उसको आपको हटाना होगा। जिंदगी की बेचारगी यह है कि आप खुद उस बूढ़ी महिला से अपने घर के लिए अपने लिए फूल लेते रहे हैं और वो आपसे जानती है कि आप एसडीएम हैं और आपसे ये उम्मीद कर रही है कि आप उसकी कुछ मदद करेंगे। स्थानीय निवासी भी ये कह रहे हैं कि सब दुकानें सब कुछ तोड़ दीजिए लेकिन इस बूढ़ी महिला को रहने दीजिए। एमपीपीएससी आईएएस की तरह ये नहीं छिपाता है कि हम किस विषय में केस स्टडी पूछ रहे हैं। एमपीपीएससी वहां पर लिखता है, वहां पर ये कहता है कि प्यारे बच्चों, हम लोक सेवा और नैतिक मूल्यों के संघर्ष पर केस स्टडी दे रहे हैं और अगर आपके पास पौरुष है तो आप उसे हल करो। ये एप्टीट्यूड के दौर का आगाज है जिसमें तूती कोरिन के संयंत्र, जिसमें मारुति के औद्योगिक विवाद की हलचलें, जिसमें दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित किए जाने के आधार पर पूछी गई केस स्टडीज ये आपसे डायरेक्टली पूछी जा रही है और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बताइए कि आप क्या कदम उठाएंगे। दरअसल इसी तरह का सवाल आईएएस में भी पूछा गया। आईएएस 2018 में एक हेल्थ केयर स्कीम में लाभार्थी की पहचान के संदर्भ में एक नैतिक दुविधा दी गई है और वह नैतिक दुविधा यह है कि एक हेल्थ केयर स्कीम में लाभार्थी को 4 कसौटियों के तहत आना चाहिए लेकिन वह आरक्षण की कसौटी के तहत नहीं है और जो हेल्थ केयर स्कीम को की देखरेख करने वाला अधिकारी है, जो लाभार्थी को लेकर डिसाइड करता है, उसका नाम राकेश है, उसके संदर्भ में ये सवाल दिया गया है कि उसे क्या करना चाहिए। ये सवाल एक नैतिक दुविधा का है और इसको कई जगह ये कहा गया कि वस्तुनिष्ठता और करुणा का नैतिक दुविधा है। वस्तुनिष्ठता और करुणा की कोई नैतिक दुविधा नहीं होती। नैतिक दुविधाएं हमेशा अच्छे और सही के बीच में होती हैं और अच्छा ये है कि एक महिला की मदद की जाए, एक दंपति की मदद की जाए जो बहुत गरीब है, और सही ये है, उचित ये है कि कानून या नियम इसकी इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो एक तरफ अच्छाई है और दूसरी तरफ उचित है, दूसरी तरफ औचित्य है। तो यहां पर आप ये पाएंगे कि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं और ये प्रश्न यूपीपीसीएस में भी पूछे जाएंगे। तो अब इसमें रणनीति क्या होगी? आप जितना परिश्रम सामान्य हिंदी पर करते हैं, निबंध पर करते हैं, उतना ही परिश्रम एप्टीट्यूड पर भी आपको करना होगा। अगर आईएएस में 120 से 130 अंक का, एमपीपीएससी में 65 अंक का, तो यूपीपीसीएस में भी 100 अंक तक का एप्टीट्यूड पूछा जा सकता है। डिप्टी कलेक्टरी की मंजिल एप्टीट्यूड की गलियों की भूल भुलैया से अब निकलेगी और न रटा रटाया ज्ञान, न मुख्य परीक्षा का मुंह भी नहीं देखने वालों के द्वारा बनाया गया अनौचित्यपूर्ण अप्रासंगिक बंजर टेस्टों का अभ्यास, बल्कि एक अंतर्दृष्टि, एक प्रशासनिक अविक्षमता, एक समझ, एक संतुलित सोच, एक मूल्य, इनकी जरूरत होगी आपको उत्तर देने के संदर्भ में। और इसके साथ ही यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात है, वह महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आर्थिक आरक्षण है वह यूपीपीसीएस के कटाव को कैसे प्रभावित करेगा। आप सभी को पता होगा कि 124वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 46 के नीति निर्देशक तत्वों में
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो प्रावधान है उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने की जो बातें कही गई हैं उसके आधार पर 15(6)(a), 15(6)(b), 16(6) ये संविधान संशोधन करके जोड़े गए और शिक्षा संस्थाओं और नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया। नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान लोक सेवा आयोग की भर्तियों को भी प्रभावित करेगा और कटऑफ को 3 कारक प्रभावित करते हैं। सीटों की संख्या ज्यादा होने पर कटऑफ कम हो जाता है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी, प्रश्नों की प्रकृति अगर कठिनाई वाली है तो कटऑफ नीचे आ जाता है। और तीसरा आरक्षण, रिजर्वेशन। तो आरक्षण के 10%, अभी अगर 50% का आरक्षण है तो एक सामान्य तर्क है कि 10% आरक्षण अधिक 10% आरक्षण होने पर, बढ़ने पर, दरअसल जो कटऑफ है वह कटऑफ कितना प्रभावित होगा, इसको हम लोग एक कंपैरिजन के द्वारा समझें। 2017 में 1006 अंक वाले बच्चे को आईएएस में, जो सामान्य वर्ग का था, उसको नौकरी मिली, लेकिन ओबीसी में 968 अंक वाले बच्चे को नौकरी मिली। इसी तरह से यूपीपीसीएस 2015 को अगर देखें तो 1138 से 1214 अंक आने वाले विद्यार्थी को एसडीएम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जबकि ओबीसी वर्ग में 1005 से 1131 अंक पाने वाले विद्यार्थी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब यहां पर अगर ईडब्ल्यूएस भी आता है तो इसका ईडब्ल्यूएस का अलग से कटऑफ होगा और यह कटऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के जनरल बच्चे से अलग होगा, तो एक के लिए थोड़ी प्रतिस्पर्धा आसान होगी और दूसरे के लिए प्रतिस्पर्धा थोड़ी सी कठिन होगी। इसलिए इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है, पैटर्न को ध्यान में रखना है, एप्टीट्यूड टेस्ट को ध्यान में रखना है। आर्थिक आरक्षण के प्रभाव को आप ध्यान में नहीं रख सकते लेकिन प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखना है। इन बातों को ध्यान में रखें और एक वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि रणनीति क्या होनी चाहिए। धन्यवाद।